दोस्तों जैकी श्रॉफ की एज अ लीड एक्टर पहली फिल्म आई थी साल 1983 में हीरो और भाई साहब। इनकी पहली फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही, मतलब गजब। इसके बाद साल 1984 में इनकी दूसरी फिल्म आई अंदर बाहर और यह बिलो एवरेज रही। अगली फिल्म आई इनकी साल 1985 में आज का दौर और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई थी मेरा जवाब और यह सेमी हिट रही। इसके बाद आई थी युद्ध और यह एवरेज रही। इसके बाद आई तेरी मेहरबानियां और भाई साहब जग्गू दादा की यह फिल्म तो सुपर हिट रही। इसके बाद आई जानू और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई थी सिवा का इंसाफ और दोस्तों यह एवरेज रही। इसी साल ही आई पैसा यह पैसा और यह तो फ्लॉप रही। अगली फिल्म आई इनकी साल 1986 में अल्लाह रखा और दोस्तों यह एवरेज हुई थी। इसके बाद जैकी श्रॉफ की फिल्म आई कर्मा और भाई साहब जग्गू दादा की यह फिल्म तो सुपर हिट रही। इसके बाद आई दहलीज और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई मेरा धर्म और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई थी हाथों की लकीरें और यह डिजास्टर हुई थी। और इसी साल ही आई पाले खान और यह फ्लॉप रही। साल 1987 में जग्गू दादा की फिल्म आई सड़क छाप और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई दिल जला और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई काश और यह भी फ्लॉप रही। इसके बाद आई कुदरत का कानून और दोस्तों यह तो हिट रही। इसके बाद आई उत्तर दक्षिण और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई जवाब हम देंगे और यह सेमी हिट रही। इसके बाद आई मर्द की जवान और दोस्तों यह भी सेमी हिट रही। साल 1988 में जग्गू दादा की फिल्म आई फलक और यह डिजास्टर रही। इसी साल ही आई आखिरी अदालत और मेरे दोस्त यह हिट हुई थी। इसके बाद 1989 में इनकी फिल्म आई वर्दी और दोस्तों यह हिट रही। इसके बाद आई सच्चे का बोल बाला और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही जग्गू दादा की फिल्म आई राम लखन और भाई साहब यह तो ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद आई मैं तेरा दुश्मन और दोस्तों यह हिट रही। इसके बाद आई थी त्रिदेव और भाई साहब जग्गू दादा की यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद आई सिक्का और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई काला बाजार और यह अबोब एवरेज रही। इसी साल ही आई परिंदा और भाई साहब यह सुपर हिट रही। इसी साल ही आई हम भी इंसान हैं और यह फ्लॉप रही। अगली फिल्म आई इनकी साल 1990 में बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी और भाई साहब जग्गू दादा की यह फिल्म तो सुपर हिट रही। इसके बाद आई जीने दो और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई आजाद देश के गुलाम और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई दूध का कर्ज और दोस्तों यह एवरेज रही। इसी साल ही आई पत्थर के इंसान और यह फ्लॉप रही। अगली फिल्म आई इनकी साल 1991 में 100 डेज और दोस्तों यह हिट रही। इसके बाद आई इज्जत और यह भी हिट हुई थी। इसके बाद आई अकेला और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई लक्ष्मण रेखा और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई हफ्ता बंद और यह बिलो एवरेज रही। इसके बाद साल 1992 में इनकी फिल्म आई दिल ही तो है और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई पुलिस ऑफिसर और दोस्तों यह अबोब एवरेज रही। इसके बाद आई अंगार और भाई साहब यह तो सुपर हिट रही। इसके बाद आई लाट साहब और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई प्रेम दीवाने और यह बिलो एवरेज रही। इसी साल ही आई थी संगीत और दोस्तों यह फ्लॉप रही। साल 1993 में इनकी फिल्म आई किंग अंकल और यह डिजास्टर हुई थी। इसी साल ही आई रूप की रानी चोरों का राजा और दोस्तों यह भी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई हस्ती और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही जग्गू दादा की फिल्म आई खलनायक और भाई साहब जग्गू दादा की यह फिल्म तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद आई आईना और यह हिट रही। इसके बाद आई अंतिम न्याय और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई थी गर्दिश और भाई साहब यह सुपर हिट रही। इसी साल ही आई शतरंज और यह एवरेज रही। साल 1994 में इनकी फिल्म आई चौराहा और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई थी 1942 ए लव स्टोरी और दोस्तों यह सेमी हिट रही। इसी साल ही आई थी स्टंट मैन और दोस्तों यह फ्लॉप रही। इसके बाद 1995 में जग्गू दादा की फिल्म
आई थी दुश्मनी और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई गॉड एंड गन और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद जग्गू दादा की फिल्म आई रंगीला और भाई साहब यह फिल्म तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुई थी। इसके बाद आई रामशास्त्र और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई त्रिमूर्ति और दोस्तों यह भी फ्लॉप रही। इसी साल ही आई थी मिलन और यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद 1996 में आई बंदिश और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई थी अग्नि साक्षी और भाई साहब जग्गू दादा की यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद आई रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई तलाशी और दोस्तों यह तो डिजास्टर हुई थी। इसके बाद 1997 में इनकी फिल्म आई आर या पार और यह डिजास्टर हुई थी। इसी साल ही जग्गू दादा की फिल्म आई बॉर्डर और भाई साहब यह फिल्म तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म है। इसके बाद आई थी विश्व विधाता और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई शपथ और यह हिट हुई थी। इसके बाद आई थी शेर बाजार और दोस्तों यह डिजास्टर रही। इसके बाद 1998 में इनकी फिल्म आई बदमाश और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई हफ्ता वसूली और दोस्तों यह डिजास्टर हुई थी। इसी साल ही आई थी गंगा की कसम और यह भी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई थी जाने जिगर और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई 2001 और यह भी फ्लॉप रही। इसके बाद आई उस्तादों के उस्ताद और यह भी फ्लॉप रही। इसके बाद आई योग पुरुष और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई कभी ना कभी और यह भी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई यमराज और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई बंधन और दोस्तों यह हिट हुई थी। अगली फिल्म आई इनके साल 1999 में लावारिश और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई कारतूस और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई फूल और आग और यह तो डिजास्टर रही। इसके बाद आई होते होते प्यार हो गया और दोस्तों यह भी डिजास्टर रही। इसी साल ही आई थी सिर्फ तुम और दोस्तों यह हिट हुई थी। इसी साल ही आई आग ही आग और यह डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2000 में इनकी फिल्म आई गैंग और यह डिजास्टर हुई थी। इसी साल ही आई जंग और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई रेफ्यूजी और यह अबोव एवरेज रही। इसी साल ही आई मिशन कश्मीर और दोस्तों यह एवरेज रही। और इसी साल ही आई थी कहीं प्यार ना हो जाए और यह फ्लॉप रही। इसके बाद साल 2001 में इनकी फिल्म आई फर्ज और यह बिलो एवरेज रही। इसी साल ही आई सेंसर और दोस्तों यह डिजास्टर रही। इसी साल ही आई ग्रहण और दोस्तों यह भी डिजास्टर हुई थी। इसी साल ही आई 1, 2, 4 और यह भी डिजास्टर रही। इसके बाद आई अलबेला और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई यादें और दोस्तों यह भी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई बस इतना सा ख्वाब है और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई लज्जा और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई हद और यह डिजास्टर हुई थी। अगली फिल्म आई इनकी साल 2002 में पिता और दोस्तों यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई क्या यही प्यार है और दोस्तों यह अबोव एवरेज रही। इसके बाद आई थी देवदास और भाई साहब जग्गू दादा की यह फिल्म सुपर हिट रही। इसी साल ही आई अग्नि वर्षा और यह डिजास्टर रही। इसी साल ही आई मुलाकात और यह भी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद साल 2003 में इनकी फिल्म आई बाज और यह डिजास्टर रही। इसी साल ही आई एक और 11 और दोस्तों यह एवरेज रही। इसी साल ही आई तीन दीवारें और यह डिजास्टर हुई थी। और इसी साल ही आई बूम और यह फ्लॉप रही। इसके बाद 2004 में आई आन और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई दोबारा और यह भी डिजास्टर हुई थी। इसी साल ही आई थी हलचल और भाई साहब यह फिल्म तो सुपर हिट रही। इसके बाद 2005 में आई सुख और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई क्यू की और यह फ्लॉप हुई थी। इसी साल ही आई डिवोर्स और दोस्तों यह डिजास्टर हुई थी। अगली फिल्म आई इनकी साल 2006 में विद्यार्थी और दोस्तों यह डिजास्टर हुई थी। इसी साल ही आई थी वी आर फ्रेंड्स और दोस्तों यह भी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई नक्शा और यह भी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई मेरा दिल लेके देखो और दोस्तों यह भी डिजास्टर रही।
रही। इसके बाद आई भूत अंकल और भाई साहब, यह भी डिजास्टर हुई थी। इसी साल ही आई अपना सपना, मनी मनी और दोस्त यह सेमी हिट रही। इसी साल ही आई भागम भाग और मेरे दोस्त यह हिट रही। इसके बाद 2007 में आई एकलव्य और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई थी और पप्पू पास हो गया और दोस्तों यह डिजास्टर रही। इसी साल ही आई फुल एंड फाइनल और यह फ्लॉप हुई थी। अगली फिल्म आई इनकी साल 2008 में थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक और यह डिजास्टर रही। इसी साल ही आई मुखबिर और दोस्तों यह भी डिजास्टर हुई थी। इसी साल ही आई हरी पुत्र और दोस्त यह भी डिजास्टर रही। अगली फिल्म आई इनकी साल 2009 में किसान और यह डिजास्टर हुई थी। इसी साल ही आई हम बाजा बजा देंगे और दोस्तों यह भी डिजास्टर रही। इसी साल ही आई अनुभव और यह भी डिजास्टर हुई थी। और इसके बाद आई थी क्रिकेट और भाई साहब, यह भी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद साल 2010 में इनकी फिल्म आई वीर और दोस्तों यह एवरेज रही। इसके बाद आई मूसा और यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई थी एक सेकंड जो जिंदगी बदल दे और दोस्तों यह भी डिजास्टर रही। इसके बाद आई मालिक एक और दोस्तों यह भी डिजास्टर रही। इसी साल ही आई भूत एंड फ्रेंड्स और भाई साहब, यह भी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद 2011 में इनकी फिल्म आई स्ट्रेंज पैराशूट और दोस्त यह डिजास्टर रही। इसी साल ही आई थी श्रद्धा और दोस्त यह भी डिजास्टर रही। इसी साल ही आई चार्ज शीट और यह भी डिजास्टर हुई थी। और इसी साल ही आई हम दो अनजाने और दोस्तों यह भी डिजास्टर हुई थी। अगली फिल्म आई जैकी श्रॉफ की साल 2012 में मैरिड टू अमेरिका और यह डिजास्टर रही। इसी साल ही आई लाइफ की तो लग गई और यह भी डिजास्टर रही। इसी साल ही आई दाल में कुछ काला है और यह भी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद साल 2013 में इनकी फिल्म आती है औरंगजेब और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही जग्गू दादा की फिल्म आई धूम 3 और भाई साहब यह फिल्म तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल ही आई सुपर मॉडल और यह डिजास्टर हुई थी। अगली फिल्म आई इनकी साल 2014 में गैंग ऑफ घोस्ट और दोस्त यह डिजास्टर रही। इसी साल ही आई हैप्पी न्यू ईयर और भाई साहब यह तो सुपर हिट रही। और इसी साल ही आई कहीं है मेरा प्यार और दोस्त यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद 2015 में आई ब्रदर्स और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई चेहरे और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड और दोस्तों यह भी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई जज्बा और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई डर्टी पॉलिटिक्स और दोस्त यह भी फ्लॉप रही। अगली फिल्म आई जैकी दादा की साल 2016 में हाउसफुल 3 और दोस्तों यह फिल्म हिट रही। इसके बाद 2017 में आई सरकार 3 और यह डिजास्टर रही। अगली फिल्म आई इनकी साल 2018 में फेमस और यह डिजास्टर हुई थी। इसी साल ही आई पलटन और यह भी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद 2019 में आई रोमियो अकबर वाल्टर और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई भारत और भाई साहब यह फिल्म तो सुपर हिट रही। इसी साल ही आई साहो और दोस्तों यह फिल्म तो एवरेज रही। इसी साल ही आई थी प्रस्थानम और दोस्तों यह तो डिजास्टर रही। इसके बाद 2020 में जैकी दादा की फिल्म आई बागी 3 और दोस्तों यह एवरेज रही। इसके बाद 2021 में आई हेलो चार्ली और इसे OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पे रिलीज की गई थी। इसी साल ही आई थी राधे और दोस्तों इसे तो OTT प्लेटफॉर्म G5 पे रिलीज की गई। इसी साल ही आई थी सूर्यवंशी और दोस्तों यह फिल्म तो हिट रही। इसके बाद साल 2022 में इनकी फिल्म आई राष्ट्र कवच ओम और दोस्तों यह फिल्म तो डिजास्टर हुई थी। इसी साल ही आई थी अतिथि भूतो भव और यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म G5 पे रिलीज की गई थी। इसके बाद आई फोन भूत और दोस्तों यह फिल्म तो डिजास्टर रही। और इसी साल ही जैकी दादा की फिल्म आई लाइफ्स गुड और दोस्तों इसे फिल्म फेस्टिवल पर रिलीज की गई थी। तो दोस्तों यह था जैकी श्रॉफ जी का अब तक का फिल्मी सफर। आपने इन सभी फिल्मों में से इनकी कौन सी फिल्में देखी है हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दे, जिससे आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दो
दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।